दोस्तों सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए चाइनीज 59 ऐप को भारत से कर दिया बाहर, एक लात मार के इसको इंडिया से बाहर फेंक दिया है। और बहुत ही बड़ा फैसला है, मैं तो बहुत खुश हूँ। दोस्तों आपका रिप्लाई मुझे चाहिए, आपको कैसा लगा कमेंट करना बिल्कुल भूलिएगा मत। दोस्तों सभी लोगों को कंफर्म आज कमेंट करना ही है इस वीडियो पर, और यह हमारे देश की सुरक्षा का सवाल है दोस्तों। तो आप भी ध्यान रखिए, अभी भी आपके मोबाइल में ये ऐप है तो अभी के अभी सबको अनइंस्टॉल करना है। तो इस वीडियो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और आपके भाई बहन दोस्तों मोहल्ले वालों को पड़ोसियों को सबको मालूम चलना चाहिए कि आज बहुत ही बड़ा फैसला हमारे देश की सरकार ने लिया है। केंद्र सरकार ने चीन के 59 ऐप को बैन लगाया। सरकार का कहना है कि ये 59 ऐप हमारे देश की सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही खतरनाक थे, और इसको ध्यान में रखते हुए हमारे सरकार ने इन 59 ऐप को बैन लगा दिया है। ये वो ऐप है दोस्तों जो हम रोज बरोज की जिंदगी में इसको यूज करते हैं, जाने अनजाने हमें मालूम भी नहीं कि इनमें से कई सारे ऐप चाइनीज ऐप है जो हम हर रोज यूज करते हैं, जैसे कि टिकटॉक है, पबजी है, कैम स्कैनर है, यूसी ब्राउजर है, यूसी न्यूज है, से बहुत सारे एप्लीकेशन है दोस्तों जो हम हर रोज यूज करते थे, और वो हमारी सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही खतरनाक और डेंजर थे, जो हमारी प्राइवेसी को भी भंग करते थे। और जब हम दोस्तों इन ऐप को यूज करते थे तो हम अलाउ देते थे और परमिशन देते थे हमारे मीडिया को यूज करने की इन ऐप को, और उसी की वजह से हमारा टोटल डेटा दोस्तों लीक हो जाता था, और ये एप्लीकेशन के माध्यम से चीन हमारा टोटल डेटा रिकवर कर रही थी। और इसको ध्यान में रखते हुए ही दोस्तों हमारी सरकार एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और इन सभी चीनी 59 ऐप को बैंड कर दिया है, जो एक बहुत ही काबिले तारीफ है। किसी भी देश ने लिए हुए फैसलों में से एक बहुत ही बड़ा फैसला है जो हमारे देश ने और हमारी सरकार ने लिया है। इसके लिए सरकार को मैं धन्यवाद देता हूँ, और हमारे देश की और हमें गर्व है कि हमें ऐसी सरकार मिली है। और दोस्तों देखते हैं कि अब इन कौन कौन सी ऐप है जिसको सरकार ने बैन कर दिया है। बॉर्डर पर बढ़ते तनाव और देश की साइबर सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हमारी सरकार ने ये फैसला लिया है। इसका बहुत ही बड़ा आर्थिक नुकसान चीन को होने वाला है। ये बहुत ही बड़ा फैसला है, इससे चीन को सबक मिलेगा कि वो जो बॉर्डर पर कर रहा है वो गलत है। और इसके अलावा इन ऐप को बैन करने का और एक रीज़न है हमारी सुरक्षा, हमारी और हमारे देश की सुरक्षा के लिहाज से भी दोस्तों सरकार ने यह फैसला लिया है। अगर दोस्तों कभी साइबर वॉर की नौबत आए तो हमारे देश पर कोई खतरा ना बना रहे, इसके लिहाज से भी दोस्तों इन 59 ऐप को बैन करने का सरकार ने निर्णय लिया है। दोस्तों टिकटॉक को दुनिया में जितने भी यूजर है उसमें से 30% यूजर तो ओनली इंडिया में ही थे। इस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि कितना बड़ा आर्थिक नुकसान चीन को होने वाला है, और ये बहुत ही बड़ा झटका चीन को लगा है, शायद वो इससे कभी बाहर निकल के आ सके। दोस्तों इन सभी 59 ऐप जो हमारी सरकार ने बैन किया है उसका लिस्ट मैंने इन डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाइए और देखिए, पूरा लिस्ट पढ़िए, और उसमें से जो जो ऐप आपके मोबाइल में है सबको डिलीट कर दीजिए। और वो वैसे भी दोस्तों सरकार ये बैन करने ही जा रही है, तो अब इसका मतलब नहीं रहता हमारे फ़ोन में इसको रखने के लिए, फटाफट दोस्तों मोबाइल से इन कचरे को निकाल कर बाहर फेंक। दोस्तों बॉर्डर पर तो हमारे सैनिक डटे हुए हैं, लेकिन अब हमारी फर्ज में है दोस्तों कि इन ऐप को डिलीट करके हम भी सरकार को सपोर्ट करें, हमारे देश को मदद करें, और ऐसे ही दोस्तों हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।